न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को मिली बड़ी खुशखबरी। पहला टेस्ट मिस करने वाले शुभमन गिल दूसरे मैच के लिए तैयार। गर्दन में दिक्कत की वजह से पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे गिल। भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच रियान टेन डोएशेट ने दिया शुभमन गिल की फिटनेस पर अपडेट। कहा दूसरे टेस्ट के लिए गिल पूरी तरह से फिट। पुणे टेस्ट से पहले नेट सेशन में काफी देर तक की बैठक। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की इंजरी पर बड़ा अपडेट। असिस्टेंट कोच बोले पंत के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। रियान टेन डोएशेट बोले प्रैक्टिस सेशन में रनिंग के दौरान पंत के घुटने के आखिरी हिस्से में दिक्कत, खेलेंगे या नहीं 24 अक्टूबर को पता चलेगा। बेंगलुरु टेस्ट के दौरान पंत को चोट लगी थी। पुणे टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने प्रैक्टिस सेशन में जमकर की मेहनत। भारतीय बल्लेबाजों ने पुणे की काली पिच पर स्पिनर्स के खिलाफ की बैटिंग। पुणे में टीम इंडिया के साथ जुड़े विराट कोहली। पुणे में बारिश नहीं डालेगी मैच में खलल। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक खिली धूप के बीच होगा भारत न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट। बेंगलुरु टेस्ट में विलेन बनी थी बारिश। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर का संन्यास से यूटर्न। भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आ सकते हैं नजर। पाकिस्तान के खिलाफ खेला था अपना आखिरी टेस्ट मैच। बीजीटी ट्रॉफी से पहले डेविड वार्नर खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट। डेविड वार्नर की हार के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया लेगा फैसला। वार्नर की वापसी से बढ़ सकती है भारत की मुश्किल। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने भरी हुंकार। कहा इस बार टीम इंडिया को जीतने का कोई मौका नहीं देंगे। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम तैयार। पैट कमिंस बोले इस बार होगा पिछली 2 सीरीज की हार का हिसाब। लगातार 4 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दी है शिकस्त। 22 नवंबर को पर्थ में खेला जाएगा पहला टेस्ट। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का घरेलू टूर्नामेंट में जलवा। रफ्तार से कहर बरपाते स्टार्क ने विक्टोरिया के खिलाफ 6 विकेट झटके। टीम इंडिया के लिए बजी खतरे की घंटी। दोनों पारियों में मिचेल स्टार्क ने कुल 7 विकेट झटके। शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट में न्यू साउथ वेल्स की तरफ से खेल रहे हैं स्टार्क। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किया प्लेइंग 11 का ऐलान। गस एटकिंस और रेहान अहमद की टीम में वापसी। मैथ्यू पॉट्स और ब्राइडन कॉर्स को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दिखाया बाहर का रास्ता। 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबरी पर पाकिस्तान और इंग्लैंड। बांग्लादेश के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज काइल वेरेने का शानदार शतक। अफ्रीका के लिए बनाए खास रिकॉर्ड। एबी डिविलियर्स और क्विंटन डिकॉक के क्लब में शामिल। वेरेने ने 144 गेंदों पर 114 रन बनाकर टेस्ट करियर का दूसरा शतक जड़ा। ढाका टेस्ट में बांग्लादेश की तरफ से ताइजुल इस्लाम को मिले 5 विकेट। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की मुसीबतें बढ़ी। इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद मुंबई की रणजी टीम से भी बाहर। 26 अक्टूबर को त्रिपुरा के खिलाफ मैच में पृथ्वी शॉ को टीम में नहीं मिली जगह। फिटनेस और डिसिप्लिन की वजह से एमसीए ने लिया पृथ्वी शॉ पर फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी शॉ का बॉडी फैट 35% से ज्यादा। प्रैक्टिस सेशन में लेट पहुंचने की आदत। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से पहले भारतीय एथलीट्स को मिली बुरी खबर। कॉमनवेल्थ से क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती और शूटिंग के गेम्स हटाए गए। भारत को इन गेम्स में मिलते हैं ज्यादा मेडल। 23वें एडिशन में सिर्फ 10 खेलों को किया गया शामिल कम बजट के कारण। बाकी खेलों को हटाया गया। 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स।